ओए होए होए होए, क्या कोई फाइनल मैच हो गया यार। इंडिया ने मैच जीत लिया और एशिया कप का चैंपियन बन चुका है। इंडिया जिस तरह की बैटिंग कर रहा था, जिस तरह की बॉलिंग थी, जिस तरह की फील्डिंग थी, वेल डिजर्विंग टीम थी। और सबसे बढ़ कर के उनका जेशा भी मौजूद था और पूरी टीम फॉर्म में थी और जीत गई। अगर बात करूँ एशिया कप के टाइटल की, तो 8 मरतबा जीत चुका है इंडिया, 6 मरतबा श्रीलंका और 2 मरतबा पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम किया है। अगर बात करूं फाइनल मैच की, तो क्या कोई मैच हुआ। 50 रन पे ऑल आउट हो गई श्रीलंकन टीम और पूरी तरह से सिराज छाया हुआ था। जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था, रन कम और विकटें ज़्यादा ले रहा था। 12/5 4 ओवर सिराज छाया हुआ था। उसके बाद अगर बात करूं अगले ओवर में फिर विकेट ले लिया, यानी कि अगर इसने 4 ओवर किए 4 विकेट, अगर 5 ओवर किए तो 5 विकेट। जितने ओवर कर रहा था उतने ही विकटें ले रहा था और पूरी तरह बॉय फॉर्म में था। और सबसे बढ़ के करियर बेस्ट और एशिया कप का बेस्ट 6/21 रन। हुआ यार, क्या जो कहूँ इस बंदे के लिए कम है। श्रीलंकन बैटर 2-3 बैटर सिर्फ गए जिन्होंने 13 और 17 रन बनाए, कोई भी डबल फिगर तक ना जा सका क्योंकि सिराज पूरी तरह छाया हुआ था। विराट कोहली और रोहित शर्मा की तो बैटिंग की बारी ही नहीं आई, पहले ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। इसके अलावा इंडियन बैटिंग जब शुरू में आई तो शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट खेली। ईशान किशन को प्रमोट किया गया ऊपर और उनके साथ मौजूद थे शुभमन गिल, जिन्होंने 6 ओवरों में ही मैच को ख़त्म कर दिया और 10 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। तो यूँ इंडिया एशिया की चैम्पियन बन गई है।